आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएई और नेपाल वुमेन्स के बीच में जो वुमेन्स एशिया कप का पहला मुकाबला खेला जाएगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से प्लेयर को कब ट्राई करके चलना है, कब ड्रॉप करके चलना है, कैसा रिकॉर्ड है इस वेन्यू पर और कैसा रिकॉर्ड है एक दूसरे के टीम के खिलाफ। देखिए दोनों टीम अभी नई नई है, ज्यादा इनके प्लेयर्स के बारे में किसी को पता नहीं होगा, तो पहले मैच में आप इन्वेस्ट कम करके जा सकते हो, बाकी जो सेकंड वाले मैच होगा उसमें आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके चलना। इंडिया और पाकिस्तान वाले मैच का उसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर वो भी चेकआउट कर सकते हो, बट दोनों का जो पिच होगा वो सेम होगा। तो देखिएगा पहले मैच में कैसा पिच बिहेव कर रहा है, सेकंड मैच में भी सेम टू सेम वैसा ही पिच बिहेव करेगा, तो थोड़ा सा पिच पर आप नजर बनाकर रख सकते हो। बाकी ये मैच 19 जुलाई को खेला जाएगा दोपहर 2 बजे रंगगिरी डांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में। चलिए बाकी दोस्तों अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा है तो जाकर ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आपको फाइनल एंड अपडेटेड टीम मिलेगा। देखिए आफ्टर टॉस बहुत से चेंजेस होते हैं, लाइक पिच नंबर चेंज हो जाता है बहुत और प्लेयर चेंज हो जाते हैं, तो मैं आफ्टर टॉस वहीं पर आपको अपडेट करता रहता हूं। देखिए पिच नंबर चेंज होता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है, पिच बहुत ज्यादा डिफरेंट बिहेव करने लग जाता है, श्रीलंका का ऐसे ग्राउंड में मतलब बहुत से ग्राउंड में ऐसे होता है, बट देखिए मैं आपको वहां पर बता देता हूँ, लास्ट मैच का डाटा भी शेयर कर देता हूँ, तो आपको आसानी हो जाती है और आप फिगर आउट कर सकते हो कौन से प्लेयर को आपको ट्राई करके चलना है। और ये तो दोनों नई टीम है, दोनों के प्लेयर्स के बारे में आपको उतना पता नहीं होगा, तो मैं जो अपना फाइनल टीम दूंगा उसमें आप मतलब एक दो चेंजेस करके आप अपना लगा सकते हो और अच्छा खासा विनिंग कर सकते हो इस मॉडलिंग में। तो मैं इसका भी अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आपको एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हो, अच्छा लगेगा तो ज्वाइन करना। बाकी दोनों टीम का प्लेइंग 11 की बात करें तो देखिए ईसा ओझा, उसके बाद 30 सतीश, खुशी वर्मा, कविसा एगोडगे, उसके बाद हीना, फिर रणजीता, उसके बाद समेरा, फिर वैष्णवे महेश, फिर लावण्या केनी, फिर उसके बाद सुराकेश कोटे, उसके बाद इंदुजा नंद कुमार, ये इनका प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगा यूएई का। अब बात करते हैं इधर से नेपाल वुमेन्स का, तो कविता कुनवर, उसके बाद सीता राणा मगर, उसके बाद इंदु वर्मा, रुबीना छेत्री, फिर उसके बाद यहाँ से बात करें डॉली भट्टा, फिर कविता जोशी, फिर काजल श्रेष्ठा, उसके बाद पूजा महतो, फिर बिंदु रावल, फिर शबनम राय, फिर रोमा थापा। देखिए दोनों टीम्स का प्लेइंग 11 मैंने आपको बता दिया, ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा उधर उधर होगा तो उसका मत ध्यान दीजिएगा, बाकी ये दोनों टीम्स का प्लेइंग 11 होगा। मे बी इनमें से ही कोई खेले, एक दो चेंजेस हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली यही आपको 11 दिख सकती है इनकी तरफ से। बात करते हैं यूएई के प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस की, जो कि वो लास्ट के टाइम पे परफॉर्म करके आ रहे हैं, उसमें ईसा ओझा की बात करें तो 66 रन प्लस 2 विकेट, उसके बाद 29 रन प्लस 1 विकेट, फिर 66 रन प्लस 0 विकेट, फिर 13 रन प्लस 0 विकेट, ये इनका रिसेंट परफॉर्मेंस है। 30 सतीश की बात करें तो 0, फिर 44, फिर 36, 4, 22, 10, ये इनका रिसेंट परफॉर्मेंस है। खुशी शर्मा इनका बात करें तो 22 रन प्लस 0 विकेट, 1 रन प्लस 1 विकेट, 2 विकेट, फिर 0 रन प्लस 0 विकेट, फिर 24 रन प्लस 0 विकेट, ये इनका रिसेंट परफॉर्मेंस है। कविसा की बात किया जाए तो 16 रन प्लस 1 विकेट, 17 रन प्लस 0 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 24 रन प्लस 0 विकेट, फिर 3 रन प्लस 1 विकेट। उसके बाद हीना की बात किया जाए तो 2 रन प्लस 0 विकेट, 11 रन प्लस 2 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 32 रन प्लस 0 विकेट, फिर 18 रन प्लस 0 विकेट, ये इनका रिसेंट परफॉर्मेंस है हीना का। उसके बाद रिनीता रजित की बात किया जाए तो 7, 9 डीएनबी, फिर 19, फिर 0, फिर डीएनबी। उसके बाद समयरा की बात किया जाए तो 5 रन प्लस 0 विकेट, 7 रन प्लस 4 विकेट, 3 विकेट, फिर 2 रन प्लस 0 विकेट। वैष्णवे महेश की बात किया जाए तो 2 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट और 2 विकेट। लावण्या केनी की बात किया जाए तो लास्ट के 3 मैच में इनकी बैटिंग नहीं, उससे पहले 0 फिर 8 फिर 6, ये इनका रिसेंट परफॉर्मेंस है। सुरक्षा कोटी की बात किया जाए तो 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, फिर 0 विकेट 0 विकेट और 3 विकेट। इंदुजा नंद कुमार की बात जाए तो लास्ट के 2 मैच में इनको बॉलिंग नहीं मिली थी, उससे पहले 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट और 0 विकेट। देखिए दोस्तों इनमें से आपको किसको इस मॉडलिंग में ट्राई करके चलना है, तो ईसा का आपको परफॉर्मेंस काफी बेटर है तो ये सी के लिए भी काफी अच्छा ऑप्शन हो सकती है। 30 सतीश 1 विकेट कीपिंग सेक्शन से अच्छी खासी ऑप्शन होंगी, खुशी शर्मा भी ठीक ठाक प्रदर्शन करके आ रही है, कविसा भी ठीक ठाक इनका कह सकते हो, देखिए इनका उतना श्योरिटी नहीं रहता इस वजह से आप इनको ड्रॉप करके भी जा सकते हो। हीना को भी ठीक ठाक प्रदर्शन कभी अप कभी डाउन रह रहा है, इस वजह से इनको भी आप चाहो तो जीएल में ट्राई करके जाना। रिनता रजित को भी आप चाहो तो आप चाहो कि इनको जीएल में ड्रॉप करके चलना, इनका तो वैसे ही परफॉर्मेंस आ नहीं रहा है। फिर समेरा को इनका तो 4 विकेट 3 विकेट 2 बड़े मैच इनके गए, तो इनके बेस पे आप चाहो तो इनको स्मॉलिंग में ट्राई कर सकते हो। वैष्णवी महेश को तो डेफिनेटली आप पिक करके जाना, लावण्या केनी को जीएल में ट्राई करके चलना, सुरक्षा कोटे को आप जीएल स्मॉलिंग में ट्राई कर सकते हो, ऑलमोस्ट हर एक मैच में आपको 1 विकेट निकाल कर दे रही है। उसके बाद इंदुजा नंद कुमार भी एक मतलब ठीक ठाक ऑप्शन हो सकती है, जीएल में मैक्सिमम इनको ट्राई करके चलना। अब बात कर लेते
नेपाल वुमेन्स का रिसेंट परफॉर्मेंस की, तो कविता कुनवर की बात की जाए तो 23 रन प्लस 1 विकेट, 1 रन प्लस 2 विकेट, 13 रन प्लस 0 विकेट, फिर 5 रन प्लस 1 विकेट। उसके बाद सीता राणा मगर की बात किया जाए तो देखिए इनका अगर परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो 6 रन प्लस 2 विकेट, फिर 17 रन प्लस 3 विकेट, 15 रन, फिर 32 रन प्लस 1 विकेट है। इंदु वर्मा की बात किया जाए तो 29 रन प्लस 0 विकेट, फिर 22 रन, फिर 0, फिर 1 रन प्लस 1 विकेट है। उसके बाद रवीना छेत्री की बात किया जाए तो देखिए 20 रन प्लस 1 विकेट 2 विकेट और 118 रन की एक बड़ी पारी खेलकर आ रही है, तो इनको डेफिनेटली अब ट्राई करके चलना। फिर 17 रन प्लस 0 विकेट है। डॉली भट्टा इनका 25, फिर डीएनबी, फिर 6, फिर डीएनबी जी, इनको तो डेफिनेटली अब जेल में ट्राई करके चलना। कविता जोशी 2 रन प्लस 2 विकेट, 4 रन प्लस 0 विकेट, डीएनबी, फिर 1 विकेट और 1 विकेट है। काजल श्रेष्ठा की बात किया जाए तो 36, 7, 33, 4 और 0। पूजा महतो की बात किया जाए तो 0 विकेट, 59 रन प्लस 3 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 49 रन प्लस 4 विकेट है। बिंदु राहुल की बात किया जाए तो 2 मैच में इनको बैटिंग नहीं आई, उससे पहले 17-54, थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये भी आप ध्यान रख के चलना। फिर 12, फिर 33, फिर सबनम राय 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट और 2 विकेट है। रोमा थप्पा की बात किया जाए तो 6, 23, 1, 5। देखिए इनके मतलब जनरली एसोसिएट नेशन वाले जो भी मैच होते हैं उनका बैटिंग ऑर्डर नीचे मतलब उतना कंफर्म नहीं रहता, बैटर को कभी ऊपर प्रमोट कर देते हैं, कभी डिमोट करके बॉलर के जगह पर खिला देते हैं, तो ये बात आप ध्यान रख के चलना। बाकी जो एसोसिएट नेशन मैक्सिमम जो प्लेयर खिलाते हैं उनमें मैक्सिमम ऑलराउंडर ही होते हैं, तो आप ऑलराउंडर पर ज्यादा फोकस करके चलना एज कम्पेयर टू बैटर और बॉलर के, ये बात आप ध्यान रख के चलना। चलिए बात कर लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन से। ईशा ओजन जिसका मैंने बताया था परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, और रुवीना छेत्री इनका भी परफॉर्मेंस काफी बेटर था, मैंने आपको दिखाया था, देखिए 108 रन की पारी भी खेल कर आ रही है, तो ये दोनों का आप ध्यान रख के चलना। बाकी देखिए दोस्तों जीएल कैप्टन की बात करो तो कविसा है, उसके बाद इंदु वर्मा, फिर सीतारामा राणा मगर, इन तीनों को आप जीएल में ट्राई करके जा सकते हो कैप्टन से और वाइस कैप्टन से भी, तो डेफिनेटली इनको आप ट्राई करके चलना। बाकी कौन से ऐप पे खेलना है तो जस्ट मैं आपको एक ऐप सजेस्ट कर दे रहा हूँ, आप ऐसे भी मैसेज करते रहते हो इस वजह से। देखिए बूम लियोन एक ऐसा ऐप है जहां पर नहीं आपको जीएसटी पे करना पड़ रहा है, नहीं टीडीएस पे करना पड़ रहा है, और यहाँ पर एंट्री फीस भी दूसरे ऐप के मुकाबले काफी कम लिया जाता है, इस वजह से यहाँ पर खेलना थोड़ा सा प्रॉफिटेबल रहता है एज कम्पेयर टू अदर ऐप। अगर यहाँ पर आप विनिंग को डिपॉजिट में ट्रांसफर करते हो तो 3% आपको एक्स्ट्रा रियल कैश मिलता है, जो कि अभी के टाइम पे कोई भी अदर प्लेटफॉर्म आपको ये इतना प्रोवाइड नहीं कर रही है, और यहाँ पर आपको डिपॉजिट ऑफर भी चलते हैं, मतलब जो यहाँ पर आपका बहुत तगड़ा तगड़ा ऑफर मिलेगा, और जो दूसरे ऐप है वो टीडीएस और जीएसटी के चक्कर में ऑफर भी नहीं ला रही है, बट बूम इलेवन आपको इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड ला दिया जिसमें टॉप 10 तक है। आप अगर आ गए तो अच्छी खासी कार जीतेंगे, उसके बाद बाइक जीतेंगे, एक बार डाउनलोड करके सीरीज लीडर बोर्ड चेकआउट कर लेना, आपको सब समझ आ जाएगा। बाकी यहां पर आपको इंडिया का ओनली प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 100% जीएसटी फ्री है, उसके बाद यहां से बात करें तो टीडीएस फ्री है, उसके बाद 100% बोनस यूजेबल वाले कॉन्टेस्ट, आज के टाइम पे कोई भी आपको 100% बोनस यूजेबल नहीं दे रही है, ये आप एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करेगी। फिर उसके बाद 100% सेफ एंड सिक्योर है, देखिए ऐसा ऑफर जो प्रोवाइड करता तो मैक्सिमम लोग सोचते हैं फेक ऐप है, बट ऐसा नहीं है, 1.5 साल से खुद मैं इस ऐप पे खेल रहा हूं, मतलब यहां पर मेरे को प्रॉफिट लग रहा है तभी तो मैं खेल रहा हूं। बाकी इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप मेरा रेफर कोड यूज करोगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मैं आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकता हूं, एंड मैं मेरे तरफ से जो भी गिव अवे रहेगा वो मेरे यूजर को मिलेगा जिसने मेरा रेफर कोड यूज करेगा, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सब कुछ प्रोवाइड किया है, एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी चलिए अब टीम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने टी सतीश को पिक कर रखा है, उसके बाद एस खड़का को बैटिंग सेक्शन से पिक कर रखा है, ऑलराउंडर सेक्शन से रुवीना छेत्री, आई वर्मा, फिर सीता राणा मगर की बात के मैंने पिक किया है तीनों को, यूएई की तरफ से एक मिनट नेपाल की तरफ से, और ईशा ओझा, फिर उसके कुमारी, उसके बाद एच हरीश, इन तीनों को मैंने नेपाल की तरफ से पिक कर मतलब यूएई की तरफ से पिक कर रखा है, ये 6 ऑलराउंडर के साथ जा रहा हूं। मैंने आपको पहले सजेस्ट किया था कि ऑलराउंडर यहां पर काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इस वजह से ये 6 ऑलराउंडर को मैं पिक करके जा रहा हूं। बॉलिंग सेक्शन में बात किया मैं तो के कुंवर, बी महेश, उसके बाद एस धर्मिंदर, कुछ पिक कर नाम इसका है समायरा को मैंने पिक कर रखा है, कैप्टनसी मैंने ईशा रोहित ओझा को, उसके बाद वाइस कैप्टनसी रवीना छेत्री को मैंने दे रखा है, तो ये हमारी अभी के लिए टीम है। फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी बूम इलेवन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां भी जाकर चेकआउट कर लेना। बाकी वीडियो को आपने यहां तक देखा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को आपने यहां तक देखा तो उसके लिए धन्यवाद।